गलतफहमी में थे या आपके अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे थे। मोदी जी तो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे थे। अच्छे दिन तो आगे ना मोदी के, आपके अच्छे दिन का तो उसका बात ही नहीं थी। अभी मोदी साहब याद है कुछ दिन पहले मैंने टीवी में देखा, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, अपना झोला उठा के चला जाऊंगा। भैया ऐसा फकीर हम सबको बना दे। दिन में चार बार ड्रेस बदलता है, 66 अरब रुपए 4 साल में इसके दोनों पे खर्च हो गए और एडवर्टीजमेंट में खर्च हो गए। भैया ऐसे फकीर से बचा हमें, ये सपना में क्यों आए? एक सपना दिखाया, उससे भी ज्यादा दंगा कराने के अलावा भाजपा के पास कोई कहने को 4 साल में क्या किया, एक काम इन्होंने नहीं किया। वायदे बहुत किए थे, बैंक अकाउंट चेक किया है हाल में, 15 लाख आ गए क्या? बल्कि एक इन्होंने मुद्रा योजना चलाई थी, कहते हमने 30,000 करोड़ नवयुवकों को बांट लिए, आपको किसी मुद्रा योजना में पैसा मिला है? तो भैया कहां गया वो 30,000 करोड़? अंबानी भी चला गया। तो जो भी इन्होंने घोषणा की थी, किसानों को फसल का 150% दिलाएंगे, झूठ। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, झूठ। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, क्यों भाई नौजवान, पकौड़ा बनाने के अलावा तुम्हें कोई काम मिलने वाला नहीं। 150 इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में बंद हो गए पिछले 4.5 साल में। नवयुवक को समझ में आ रहा है कि पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई रोजगार उन्हें यहाँ मिलने वाला नहीं। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, गरीब आदमी, छोटा सा व्यापारी, छोटा किसान जो 3-4 लोगों को रोजगार दे रहा था, सब खत्म हो गए। और इसलिए आपने देखा होगा रोज विधायक में बड़ी भारी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है, क्योंकि गरीब आदमी के पास कोई रोजगार नहीं बचा। योगी साहब आए थे मेरठ, बोले गन्ना बोना बंद कर दो, क्या बोए किसानों ने पूछा, दाल बो सब्जी बो, और बोले जो योगी और मोदी घूम रहे गांव में इनको कौन रोकेगा। ये जो बछड़े और गाय बैल और घूम रहे गांव में, हम आपके यहाँ का मुझे पता नहीं, उधर इनको कहते हैं योगी और मोदी आ गए। और हट्टी कट्टी गाय को देखे स्मृति ईरानी भी कह देते मोदी जी तो बस गाली देने के अलावा जो भी काम हुआ 70 साल में मोदी ने किया है, जो भी काम हुआ पहले सारे चीफ मिनिस्टर, सारे प्राइम मिनिस्टर सब बेईमान थे, इससे ज्यादा ईमानदार आदमी देश में आज तक नहीं हुआ। अगर कभी ये श्रीलंका चला जाता ना, मालूम है लौट के क्या कहता, रावण को मैंने मारा था। सब काम इसने किए, पहले ना सड़कें थी, ना ब्रिज थी, ना ट्रेन थी, कुछ नहीं था देश में। मोदी आया और इतनी तरक्की आपको मिल गई। कहते थे लोग जो मोदी भक्त हैं, नाराज तो थे थोड़ा बहुत, बोले जीतेगा ये, कुछ करेगा, ये कहते थे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि हार जाएगा, कुछ करेगा। अब 3 राज्यों में कुछ क्या कर लिया, हार गया ना, तो इसलिए सरकार बदलने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही, ये तो दंगों की वजह से ये जीत गए गांव में, वरना कभी गांव में भाजपा नहीं जीता करती थी। शहरों में तो थी, लेकिन गांव में किसानों ने कभी भाजपा को वोट देने का काम नहीं किया।